गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बी किफायती। एंड आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली मेक। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ मनी। सो तो क्या हुआ ना, हमने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ब्रीफली डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस टॉपिक, एंड बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली क्वेरीज पूछी हमसे, पूछा क्वेश्चन कि यार कुछ बताओ ना इसके बारे में, कैसे हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ मनी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बारे में वीडियो बना दें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर, कोई भी जब अपनी लाइफ में कमाना शुरू करता है ना, उसका एक ही एम होता है यार कि लाइफ में इतना पैसा हो कि जिंदगी भर वो पैसा कभी खत्म ही ना हो। आई नो आपको भी ऐसे लगता है, मैं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ वी ह्यूमन बींग्स आर, राइट। एंड ये सोच के चक्कर में हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार इतना अगर पैसा चाहिए कि वो लाइफ टाइम कभी खत्म ही ना हो, तो इतना पैसा तो हम कभी कमा ही नहीं पाएंगे। बट वॉट इफ यू टेल यू कि थोड़ी सी प्लानिंग और ऑफकोर्स थोड़ी सी किस्मत के साथ यू कैन एक्चुअली रीच दैट स्टेज। We personally know 6 different people who have actually retired at the age of 35 to 40. And no, they did not start off with high paying jobs. But sab mein na ek cheez bahut common thi. They started investing as soon as they started earning. Two of them started investing with as low as 500 rupees per month. Toh kya kara un logon ne aisa? What can we learn from these people? एंड ऐसा हम क्या करें कि हमें अपने जॉब पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू डिवाइस अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू अक्यूमुलेट इनफ मनी कि हम हर महीने अगर एक फिक्स्ड अमाउंट निकालें तो वो पैसा हमारे पास कभी खत्म नहीं होगा। हम ये वीडियो आपको समझाएंगे एग्जाम्पल देकर। यार ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है दैट यू जस्ट टेक अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ एंड वो पैसा कभी खत्म ना हो, है ना। या तो ये तब हो सकता है जब आपका जो खर्चा है वो आपकी कमाई से कम हो, राइट। Let's take an example of a 22-year-old Rahul. So Rahul has just started working with a software company as a software engineer, and uski salary hai 35k per month and uska kharcha hai 20k per month, aur wo 10k per month invest kar sakta hai from the first month. And he plans to retire by the age of 42 to 45. वो कॉर्पोरेट जिंदगी से मुक्त होना चाहता है बिल्कुल। सो हमने अज्यूम किया कि अच्छा उसको 20,000 रुपए का खर्चा है, 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राहुल को बाय द एज ऑफ 40 हर महीने कितने पैसे चाहिए होंगे। इन्फ्लेशन के साथ साथ ऑब्वियसली राहुल के खर्चे भी बढ़ेंगे, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट हम 5% अज्यूम करते हैं तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आज के 20 के कितने हो जाएंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज दिस। टाइम टेकन टू डबल द एक्सपेंस इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। ये फॉर्मूला कैसा है वो हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे कवर किया हुआ है, तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे यहाँ पर। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। सो कमिंग बैक टू राहुल, एग्जैक्टली 14 ईयर्स बाद उसका जो खर्चा है वो डबल हो जाएगा। सो बेसिकली जो आज का उसका 20k का खर्चा है, इट विल रीच टू 55k बाय द टाइम ही विल बी 42। दिस मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 20 साल में राहुल का खर्चा 20,000 से 55k हो जाएगा। अज्यूम कर लेते हैं एंड मान भी लेते हैं दैट प्रैक्टिकली बाय दैट एज, बाय दैट टाइम उसके और भी खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो लेट्स अज्यूम कि 55k हो जाते हैं 70k बाय द टाइम ही इज 42 to 45। वी अंडरस्टैंड कि ये फिगर सबके लिए बहुत डिफरेंट होगा बिकॉज सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट होती है। बट विद दिस वीडियो एंड दिस एग्जाम्पल वी जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ बची है कि 70k के खर्चे को हमें अपने इनफ्लो से कैसे मैच करना है, राहुल को कितने पैसे चाहिए होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका भी फॉर्मूला हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर कवर किया हुआ है। द फॉर्मूला इज मनी रिक्वायर टू रिटायर इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिटायरमेंट इन टू 30। सो अगर राहुल का मंथली खर्चा है 70k, सो उसका एनुअल खर्चा होगा 70k इंटू 12 विच इज 8.4 lakhs। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। एंड बाय दिस फॉर्मूला कि उसको कितने पैसे चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 8.4 लाख का 30 टाइम्स होता है समवेयर अराउंड 2.52 crores। तो बेसिकली राहुल नीड्स 2.52 crores at the time he wants to retire to be financially free. If you remember when Rahul was 22, he started investing 10k per month towards his investment, jahan pe bhi usse invest karna shuru kara. Hum assume kar lete hain ki har saal uski salary badhegi, uski increment hogi and he will contribute a higher amount towards his investments. But on a conservative basis, agar hum maan le ki usse sirf 10% se har saal apni wo badhaye, to first year mein usse diye 10k per month for like the whole year, second year mein usse diye 11k and third year mein usse diye 12.1k etc. We will assume ki uske investments 11% se grow karengi, lekin agar hum past data ko dekhe to zyada return diye nifty ne, but conservatively we'll take it 11%. So in 23 years of time, which is from 22 years old Rahul to 45 years old, uske investments aur increment kuch aise dikhegi.
इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इवन बाय स्टार्टिंग विद जस्ट 10K पर मंथ राहुल इज रीचिंग इस टारगेट इजीली। अगर उसका पोर्टफोलियो 12% रिटर्न देगा तो उसका टोटल कॉर्पस 3 करोड़ टच कर जाएगा। We know that it is easier said than done. 23 years ki investment requires a lot of patience. But if you have that patience, if you think that that will help you in your early retirement or even in your retirement, you can actually use this and try to use it in your real life. Let us know in the comment section what do you think about this whole plan and about Rahul's journey. And agar aap isi tarah se kuch video humse aur puchna chahte, banwana chahte, we'll be happy to make it. Please subscribe to our channel. We keep on making such videos and keep on giving you such information. Till then, be kifayati.